तो जैसे कि आप जानते हो कि हमारा ट्रायंगल्स पर वीडियो लेक्चर्स हमने एक अपलोड किया है, अब ये दूसरा लेक्चर है। तो मैंने आपको बताया था कि अब हमें थेलेस थ्योरम पढ़नी है, तो थेलेस थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी हम जिसको कहते हैं, थेलेस थ्योरम में स्टेटमेंट इस तरह से है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यानी अगर हम फिगर पर देखेंगे, मानकर चलो आपके पास कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, और थेलेस थ्योरम कह रही है अगर कोई लाइन, यानी मानकर चलो दिस लाइन डी ई, मानकर चलो डी ई अगर पैरेलल है बी सी को, तो आपको प्रूव करना है ये जो दो साइड्स रह गए, रिमेनिंग टू साइड्स यानी ए बी एंड ए सी आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ये चीज आपको प्रूव करनी है। तो अब हम आ जाते हैं यहां पर, सबसे पहले आप इसमें गिवन देखो। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, क्लास नाइन्थ में भी आपने थॉर्मस बहुत सारी पढ़ी है, तो वहां पर भी आपने देखा होगा कि जो थॉर्म में गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन होता है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि आपको सबसे पहले एनालाइज करना है कि मुझे मेरे पास गिवन क्या है। हमारे पास इस थॉर्म में यहाँ पर गिवन है ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी और उस ट्रायंगल में डीई इज पैरेलल टू बीसी, ये हमारा गिवन है यहाँ पर, गिवन स्टेटमेंट। क्योंकि जो थॉर्म में पहली लाइन लिखी होती है, पहली लाइन मीन्स दिस, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, तो ये हमारे पास एक गिवन स्टेटमेंट आ गया। जब भी हमारे पास इस तरह का कुछ आएगा, देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, देन के बाद जो भी स्टेटमेंट होता है वो हमारे पास हमेशा टू प्रूव में आ जाता है। गिवन इन ट्रायंगल एबीसी डीई इज पैरेलल टू बीसी, टू प्रूव क्या कहा है आपको, टू प्रूव में देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, यानी ये साइड और ये साइड डिवाइड हुए हैं एक ही रेशियो में, तो इसका मतलब हो गया ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी। अब देखो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास यहां पर क्या दी हुई है, एक ट्रायंगल दी हुई है ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई इज गिवन टू बी पैरेलल टू बी सी, और आपको प्रूव करना है ए डी डिवाइड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइड बाई ए सी एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, डी ई इज इंटरसेक्टिंग ए बी एट डी एंड डी ई इज इंटरसेक्टिंग ए सी एट ई। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ये गिवन हो गया, ये टू प्रूव हो गया। अब इसके बाद हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करने से पहले मैं आपको कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूं, जो आपने पिछले जूनियर नाइन्थ या एट्थ क्लास में पढ़े होंगे। जब भी हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, चाहे परपेंडिकुलर इंटीरियर हो ट्रायंगल में या एक्सटीरियर हो, एंड परपेंडिकुलर ऑलवेज बिकम्स हाइट ऑफ द ट्रायंगल। पहली बात तो ये याद रखोगे आप कि परपेंडिकुलर ऑलवेज बिकम्स हाइट ऑफ ट्रायंगल। दूसरी बात, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ऑन द सेम बेस, दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक ही बेस पर कितनी भी ट्रायंगल्स क्यों ना बने, उनका एरिया हमेशा सेम रहता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर डीई और बीसी क्या है, ये पैरेलल लाइंस है, इनके बीच में एक ही बेस पर कितनी भी ट्रायंगल्स क्यों ना बने, उन सबका एरिया हमेशा सेम रहेगा। एंड थर्ड थिंग, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता था, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता था 1/2 ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो इन तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है इस थ्योरम में। हमने सबसे पहले गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन, अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर, ई एन को मैंने परपेंडिकुलर डाला किस पर, ए बी पर एंड डी एम डाला मैंने परपेंडिकुलर किस पर, ए सी पर, ठीक है। इसके बाद मैं करूंगा एक काम, ज्वाइन डी सी एंड ए बी, ज्वाइन डी सी एंड ए बी। अब देखो इधर आप, यहां तक क्लियर है। देखो सबसे पहले हमने गिवन लिखा, फिर तो प्रूफ, फिर हमने कंस्ट्रक्शन की,
और कॉन्स्ट्रक्शन में मैंने ई एन परपेंडिकुलर डाला ए बी पर और डी एम परपेंडिकुलर डाला ए सी पर, फिर मैंने डी सी ज्वाइन किया और ए बी ज्वाइन किया। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद में प्रूफ में आ जाता है। आप इसको लिखो, मैं हटाता हूं इसको। प्रूफ में हम सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, यानी हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले ट्रायंगल्स ले लेंगे। देखो इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फॉर योर कन्वीनियंस मैं कह रहा हूं कि हम इस साइड वाली ट्रायंगल्स लेंगे ए डी ई, फिर लेंगे डी बी ई। तो सबसे पहले हम लेंगे ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई किसके बराबर होगा, वन हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, वन हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। एंड वी नो दैट, हमने समझा था एरिया को लिख सकते हैं हम ए आर ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, तो वन हाफ, तो वन हाफ ही रहेगा। और यहां पर ए डी ई में बेस क्या है आपका, ए डी, ठीक है। इस ट्रायंगल का बेस क्या है, ए डी, एंड हाइट क्या है, ई एन, क्योंकि ए एन इज अ परपेंडिकुलर इन ट्रायंगल, ई एन इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, तो इसका मतलब ई एन ही तो हाइट हो गया, ठीक है। और ये हमारा रिजल्ट वन हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई। अब हमें पता है ये भी होगा वन हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो हम लिखेंगे वन हाफ ऑफ डी बी ई में। बेटा आराम से देखो आप, डी बी ई में बेस क्या होगा, डी बी, बेस क्या होगा, डी बी, और हाइट क्या होगी इसमें, ई एन, क्योंकि परपेंडिकुलर है ये किस पर, ए बी पर, ई एन इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, दैट इज वाई ई एन बिकम्स हाइट ऑफ द ट्रायंगल। इसको हम रखेंगे नाम रिजल्ट सेकेंड। अब करेंगे डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड, फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इज इक्वल टू, हाफ से हाफ जाएगा, ई एन से ई एन जाएगा, तो क्या बचा, ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी। तो ये हमारे पास आ गया, इसको नाम रखो आप ए, ठीक है। अब इसके बाद नाउ देखो, सबसे पहले मैंने इस साइड की ट्रायंगल्स ली ए डी ई, फिर लिया डी बी ई, अब देखो मैं ए ई डी लूंगा, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी, ए ई डी वो भी आ जाएगा वन हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस आ जाएगा ए ई, एंड हाइट क्या है, हाइट क्या आ जाएगा इसमें, डी एम, क्यों आ जाएगा डी एम, क्योंकि डी एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी, वेरी गुड। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, कमेंट करने से डरो मत, अगर कहीं पर कोई डाउट है तो आप बता सकते हो या मुझे इनबॉक्स ही करो व्हाट्सएप पर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी निकाला, अब निकालेंगे हम ई सी डी, ई सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, समझ आ रहा है। पहले मैंने ए ई डी निकाला, अब ए सी डी निकाला, तो वो भी होगा वन हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या है मेरा यहां पर ए सी, और हाइट क्या है, हाइट क्या है, हाइट तो यही रहेगा ना, बी एम ई हाइट रहेगा, ठीक है। तो दिस इज रिजल्ट थर्ड एंड दिस इज रिजल्ट फोर्थ। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड थर्ड बाय फोर्थ, डिवाइड थर्ड बाय फोर्थ, तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी, ई सी डी ये आ जाएगा हमारे पास, हाफ से हाफ गया, डीएम से डीएम गया, ये बचा यहां पर ए ई डिवाइड बाय ई सी डिवाइड बाय ए सी, तो इसको नाम दे दो बी,
इसको मैंने नाम दिया था ए, इसको नाम दिया मैंने बी। अब देखो एक और चीज, इसको मैं हटाता हूं यहां से, यहां पर लिख लेता हूं, आई विल राइट डाउन हियर, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई होगा बराबर किसको, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी होगा बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी। अब आप बोलोगे क्यों, क्योंकि डी बी ई और ई सी डी आर लाइन ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, बिकॉज बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ऑन द सेम बेस, ऑन द सेम बेस। अब देखो आपको इतना पता चल गया कि एरिया ऑफ डी बी ई और एरिया ऑफ ई सी डी बराबर है, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में है इसके वजह से, और दोनों एक ही बेस पर भी है, तो उसके वजह से इन दोनों का एरिया क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो जब इन दोनों का एरिया सेम हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं, यहां पर इस चीज को, देयरफॉर नो यहां पर लिखेंगे हम एरिया, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी, और रीजन हम देंगे एरिया इस ट्रायंगल का इसके बराबर है, और रीजन देंगे हम बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ऑन द सेम बेस, ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में है और एक ही बेस पर है, और इसको हम नाम रखेंगे रिजल्ट सी। क्या नाम रखेंगे, रिजल्ट सी। देखो भाई साहब, अगर यहां पर हमने देखा डी बी ई फर्स्ट में, यहां पर हम ई सी डी डाल सकते हैं और ई सी डी की जगह हम डी बी ई डाल सकते हैं, यानी हमारे लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गए। तो फिर अगर हम इसको मैं हटाता हूं, आप फिर पॉज करके लिख लेना, ठीक है। तो आप यहां पर कह सकते हो फ्रॉम ए बी एंड सी, फ्रॉम ए बी एंड सी, यानी यहां से और यहां से और यहां से, आपको ये बात पता चली कि जब हमारे आर एच एस, जब हमारे एल एच एस बराबर हो गए, यानी ये साइड इस साइड को बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एल एच एस है वो भी बराबर ही होंगे। यानी अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी, इसके जगह में ये लिख सकता हूँ ए ई डी डिवाइड बाई ई सी डी, तो उसका मतलब ये भी हो गया ना कि ए डी बाई डी बी शुड इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर फ्रॉम ए बी एंड सी, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। आई होप इट्स क्लियर। अब आप अगर कहीं पर कोई डाउट है तो यू कैन वॉच द वीडियो मोर देन वन टाइम, ओबियसली हैनस प्रूव, हैनस